क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ हमें क्या कह रहा है, शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक व्हेन ए इज इक्वल टू 2 5 4 6 मैट्रिसेस ये हमें गिवन है और हमें शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए पहले इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं ए मैट्रिसेस का, तो ये हमारा रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 2 4 5 एंड 6 और हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। अब सबसे पहले एक इन दोनों का सम कर देंगे तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स प्लस हो जाएंगे 2 2 4, 5 प्लस 4 9, 4 और 5 9, 6 और 6 यहाँ पर 12 हो जाएगा। और अगर हम इसका यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पता है, अगर ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाती है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 9 9 12 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वही मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, हमें यही प्रूव करना था, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें शो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। अब हमें मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 1 3 4 7 और हमें बताना है ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक हमें यहां पर प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले ए का ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 1 4 3 7। अब हम यहां पर ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 7 माइनस 7 यहां पर 0 के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम इसका ट्रांसपोज करें ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 1 माइनस 1 एंड 0 के। स्क्यू सिमेट्रिक हमें पता है कि जो मैट्रिक्स हमें पहले गिवन है उसके नेगेटिव के अगर इक्वल आती है ट्रांसपोज करने के बाद तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो चलिए इसका नेगेटिव अगर हम लेते हैं इसका, तो ये हमारा अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, -0 -1 1 एंड 0, तो ये हमारा माइनस इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें प्रूव करना था। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th को। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, आपको बड़े ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 12th में हमें a इज इक्वल टू 3 0 1 1 -1 एंड 2 और हमें a ट्रांसपोज एंड a डैश a ट्रांसपोज a बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये प्रूव करना है कि दोनों की दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी और ये भी। चलिए हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले a ट्रांसपोज हम यहां पर निकालेंगे 3 1 -1 0 1 2 के इक्वल आ जाए। सबसे पहले ये वाला पार्ट हम करेंगे सोल्व, a को a ट्रांसपोज से हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3 को 3 से करेंगे 9, 1 को 1 से करेंगे 1, -1 को -1 से करेंगे 1, फिर हम सेकंड से करेंगे 3 को 0 से करेंगे 0, 1 को यहां पर 3 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, -1 को 2 से करेंगे -2 के इक्वल आ जाएगा, 0 को यहां पर 3 से करेंगे 0 और 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को -1 से करेंगे -2, यहां पर फिर सेकंड से करेंगे 0 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से कर देंगे तो यहां पर 4 आ जाएगा,
और ए ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 2 और 1 माइनस 1 के, माइनस 1 के 4 और 1 यहाँ पर 5 के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो 11 माइनस 1 माइनस 1 एंड 5 ये दोनों सेम है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें यही प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज हमारा है यहाँ पर 3 1 माइनस 1 0 1 2 और मैट्रिसेस ए हमें गिवन है, मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू 3 0 3 0 1 1 माइनस 1 एंड 2 के इक्वल है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पर, ए ट्रांसपोज की ए से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 3 को 3 से करेंगे 9, 0 को 0 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे 3, 0 को 1 से करेंगे 0, 3 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 3, 0 को 2 से करेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 और 1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से 1, 1 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 1, 1 को 2 से करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस 1 को 3 से करेंगे माइनस 3 और 2 को 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस 1 को 1 से माइनस 1, 2 को 1 से करेंगे 2, माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे प्लस का 1 और 2 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 9 3 माइनस 3 3 2 1 माइनस 3 1 5। तो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 9 3 माइनस 3 3 2 1 माइनस 3 1 एंड 5। यहाँ पर दोनों ये यहाँ पर सेम है, तो ये हमारा ये भी क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इसको कहेंगे, यही हमें प्रूव करना था। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। टू बाई टू की मैट्रिक्स हमें गिवन थी, 3 बाय 3 की मैट्रिक्स थोड़ी डिफिकल्ट है, वहां पर बड़े ध्यान से करना है मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है जो हमारे पास, वो थोड़ी आसान पड़ती है। इससे 3 बाय 3 की मैट्रिसेस में रो एंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 13 मैट्रिसेस ए गिवन है हमें, मैट्रिसेस ए इक्वल माइनस 3 4 0 6 माइनस 5 माइनस 7 0 8 माइनस 2। फाइंड करना है हमें 1 बाय 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड आउट करना है। वेयर ए ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस ए, ये हमें गिवन है। सबसे पहले यहां पर ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम ए का, तो हमारे पास रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। सबसे पहले माइनस 3 6 0 4 माइनस 5 8 0 माइनस 7 एंड माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर ए में से ए ट्रांसपोज को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस 3, इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन, माइनस 3 प्लस 3 यहाँ पर क्या जाएगा 0 के इक्वल, 6 माइनस 4 2 के इक्वल, 0 माइनस 0 0 के, 4 माइनस 6 माइनस 2 के, माइनस 5 प्लस 5 0 हो जाएगा, 8 प्लस 7 15 के, 0 माइनस 0 0 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 15 के आ जाएगा, माइनस 2 एंड प्लस 2 ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसको 1 बाय 2 हमें निकालना है, हर एक एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, 0 यहाँ पर माइनस 1 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 माइनस 15 बाय 2 0 यहाँ पर 15 बाय 2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 शो दैट फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आपको यहां पर बतानी है कि ये दोनों मैट्रिसेस है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अगर ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिसेस नेगेटिव के इक्वल आती है तो वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आ जाएंगी। लेफ्ट कर लेते हैं, ये ए के इक्वल है। सबसे पहले 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 एंड 0, ये हमें गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा इसका, ए ट्रांसपोज, यहाँ को रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 एंड 0, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। अगर ये इसके माइनस ए के इक्वल है तो यहाँ पर अगर सबसे पहले इसका नेगेटिव ए निकालेंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या आ जाएगा, हर एक एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, यहाँ पर -1 0, यहाँ पर 3 -2 -3 एंड 0, इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं, 0 -1 -2 1 0 -3 2 0 0, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें 3x3 की मैट्रिसेस गिवन है। लेट कर लेंगे मैट्रिसेस ए के इक्वल है ये, 0 a b -a 0 c -b -c एंड 0, ये हमें गिवन है। सबसे पहले ए ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 -a -b a 0 -c b c 0, यहां पर ए का नेगेटिव निकालेंगे, मैट्रिसेस ए का नेगेटिव, एवरी एलिमेंट्स को -0 1 से मल्टीप्लाई, 0 -a -b a 0 -c b c 0, इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, 0 a b -a 0 c -b -c 0, तो ये हमारी क्या जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इसको कहेंगे। ये हमारी 1.4 एक्सरसाइज थी, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शाम जी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको हमारी आगे की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।